हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे किन शहरों में सोना चांदी का भाव क्या है और कितना महंगा और कितना सस्ता हुआ सोना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट्स में आप बताइए आप किस शहर किस कस्बे से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपको रोजाना का अपडेट करते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आपको बता दें, सोने के दाम को लेकर इस समय कोई भी स्पष्ट राय दे पाना थोड़ा मुश्किल है। पिछले एक महीने से सोने के जिस तरह से अपना रंग बदला है उसे अभी समझना थोड़ा मुश्किल है। शायद इसीलिए खरीदार और निवेशक दोनों ही पैसा लगाने से बच रहे हैं। 7 अगस्त को जब बाजार खुला था तो सोने का भाव 56,254 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से आज तक का सबसे ऊपर का प्राइस पहुंच गया था। अगस्त का पहला सप्ताह सोने के लिए काफी अच्छा रहा, लेकिन इसके बाद दूसरे सप्ताह से सोने के दाम में गिरावट आनी शुरू हो गई। अब तक सोना 5,500 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है। सोने के दाम में गिरावट का एक कारण शेयर बाजार का मजबूत होना है। पिछले एक महीने में बाजार में आई तेजी को भी लोग सोने के दाम में गिरावट को कारण मान रहे हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद दुनिया भर के बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद लोगों ने सोने के सबसे ज्यादा निवेश किया। इसका असर सोने के बढ़ते दाम को रूप में देखने को मिला। अक्सर ऐसा होता है कि जब बाजार कमजोर होता है तो सोने के दाम पर ऊपर चले जाते हैं और बाजार में तेजी आने पर सोने के दाम लुढ़क जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं। दोस्तों भाव की बात करें तो 1 ग्राम सोना 24 कैरेट 5,176 रुपए का भाव है। 22 कैरेट सोने का भाव 4,745 रुपए का है। 20 कैरेट सोने का भाव 4,313 रुपए है और 18 कैरेट सोने का भाव 3,882 रुपए है और 16 कैरेट सोने का भाव 3,451 रुपए है। 14 कैरेट सोने का भाव 3,019 रुपए है। आगे आपको बता दें 1 तोला सोना का भाव क्या है। 1 तोला यानी कि 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 60,372 रुपए, 22 कैरेट सोने का भाव 55,341 रुपए है, 20 कैरेट सोने का भाव 50,310 रुपए है, 18 कैरेट सोने का भाव 45,279 रुपए है, 16 कैरेट सोने का भाव 40,248 रुपए है, 14 कैरेट सोने का भाव 35,217 रुपए है। बता दें कि ऊपर बताए गए दाम बुलियन गोल्ड के रेट के अनुसार हैं। 3 दिन के बाद आज जब आप बाजार खोलेगा तो उम्मीद है कि बाजार में तेजी आ सकती है और वहीं दूसरी तरफ सोने के दाम में कुछ गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। इसलिए जो लोग अभी सोने के खरीदारी करना चाहते हैं वो ठीक तरह से बाजार को परखें, उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करें। पिछली बार जब गुरुवार को बाजार खुला था तो सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई थी। बृहस्पतिवार को सोना 37 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 51,389 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। HDFC सिक्योरिटी ने ये जानकारी दी है कि हालांकि ये रुपए मजबूती कारण सराफे तेजी से कुछ अंकुश लगा है। पिछले कारोबारी दिन के सोने का बंद रहा 51,352 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा था। हालांकि चांदी का भाव 915 रुपए प्रति रुपए की गिरावट के साथ 61,423 रुपए प्रति किलोग्राम रहा था, जो बुधवार 62,388 रुपए प्रति एक किलोग्राम रहा था। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने अपना